पूछ रहे हैं? मोमो, मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शेर खान का बाप तो मर चुका है। ओए, इसका मतलब है हमारे घर उसकी रूह आई है। अरे उसकी रूह यहाँ कैसे आ सकती है भाई? क्या वो रूह को हमारा एड्रेस नहीं पता? मोमो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने शेर खान के बाप के जनाजे में शिरकत की थी। क्या? हाँ यार। वो तो फिर ये जिंदा कैसे हो गया? आओ आओ चलकर पूछते हैं। चलो खाना खराब। वो यार तुम हमारे को ये उंगली क्यों लगा रहे? वो मैं चेक कर रहा था कि आप असल में हैं भी या नहीं। खाना खराब, हम तुमको प्लास्टिक का लगाए, ये एकदम असली है, असली। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों महमूद साहब आपको कुछ शक है क्या? यार नबील, मुझे अच्छी तरह याद है कि शेर खान का बाप मर चुका है। क्या? और तुम्हारा दिमाग खराब है? हम यहाँ जिंदा बैठा है तुम्हारे सामने, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब। अरे मैंने खुद उनके जनाजे में शिरकत की है यार। What? अच्छा अच्छा, तुमने जनाजे में शिरकत किया था? हाँ, मैं मट्टी डाल के निकल गया था। तो बस जिस वक्त तुम निकले उसके बाद हम निकले। और यार हम बेहोश हुआ था, दो तीन दिन लोग समझे कि हम मर गए। सब ने हमको दफनाया, हमको होश आया, हम चीखा मीखा तो हमको उन्होंने कब्र से बाहर निकाल दिया। अच्छा अच्छा, ये आप कैसे बेहोश हुए थे कि लोग समझे आप मर गए? वो बेटा दरअसल बात ये है कि जब हम बेहोश होता है तो सांस नहीं लेता है, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम ऐसा 3-4 मरतबा मर चुके हैं। नबील, इनसे पूछो यहाँ क्यों आए? खान साहब, आप अपनी जायदाद हम लोगों में बांटने आए? नहीं भाई नहीं, हम तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल काम के लिए आए हैं। और वो काम क्या है? देखो भाई, हम पूरा 100 साल का हो गया और एकदम अटकट है। वो जो हमारा बेटा है ना शेर खान, उसको हमारा बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पर आकर तुम सब लोगों से बात करें। कैसी बात खान साहब? वो असल में हम यहाँ पर दूसरा शादी करने के लिए आए हैं। क्या? ना आपसे शादी करने से पहले कोई औरत खुदकुशी ना कर ले। हाँ तो फिर ठीक है, हम खुदकुशी के बाद शादी करेगा। ओ खान साहब, हम आपके लिए 100 साल की औरत कहाँ से ढूंढेंगे भाई? और खबीस का बच्चा, हम 100 साल का औरत से शादी नहीं करना है। तो फिर हमारे लिए कोई 25-26 साल की जवान लड़की ढूंढो। यार देखो, हम पैसा पानी की तरह खर्च करेगा। ओ शाबाश, ये चीज मेरे अजीज।